छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 मई तक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। बिलासपुर में ट्रेनिंग दी गई है। कुल 1005 अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। रायपुर में 20 मई को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 28 मई तक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित कर रहे हैं। बिलासपुर में ट्रेनिंग दी गई। कुल 1005 अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और रायपुर में 20 मई को ट्रेनिंग होगी। मतगणना होने वाली है, 4 जून को आएंगे रिजल्ट और मतगणना को लेकर देखिए अधिकारियों को प्रशिक्षण 28 मई तक दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, मतगणना के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अब अधिकारियों को कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, देखिए छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है, चूंकि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। तो इससे पहले जो है चुनाव आयोग ये इंश्योर करना चाहता है कि जो भी मतगणना में अधिकारी शामिल रहेंगे उनकी ट्रेनिंग जो है अच्छी से हो जाए। यही वजह है कि जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं अलग अलग, वहाँ पर मास्टर ट्रेनर के माध्यम से अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कल से ही इसकी शुरुआत हुई है। कल दुर्ग और बिलासपुर में ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तमाम जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हैं उन्हें मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग में देखिए पोस्टर बैलेट की काउंटिंग कैसे होगी, ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से काउंटिंग कैसे होगी, किस तरीके से वहां पर डेकोरम मेंटेन करना है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा काउंटिंग के वक्त, सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में जो है अफसरों को बताया जा रहा है। अब देखिए 20 तारीख को रायपुर में भी होगा ये ट्रेनिंग, वहीं 21 को जांजगीर में होगा, वहीं 22 को जगदलपुर में भी होगा। तो इस तरीके से देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई है 4 जून के लिए। जब मतगणना शुरू हो तो मतगणना जो है सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से ये पूरा मतगणना हो, चूँकि बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि अव्यवस्था का माहौल बन जाता है, तो ऐसा कोई माहौल उत्पन्न हो इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है पूरा इंश्योर करने में लगा हुआ है और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश के साथ एक अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना शुरू हो चुका है, 20 मई को आपको बता दें रायपुर में ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नक्सल मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बदलाव करेगी। नक्सलियों की पुनर्वास नीति में सरकार बदलाव करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है और इस बयान में उन्होंने बदलाव के संकेत दे दिए हैं। तो आपको बता दें पुनर्वास नीति में बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति के तहत कई नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बयान दिया है और कहा है कि पुनर्वास नीति में बदलाव किया जाएगा। अभी तक पुनर्वास नीति है जिसके तहत सरेंडर हो रहा है। सीएम ने कहा कि देख रहे हैं और अच्छा क्या हो सकता है। डबल इंजन सरकार के कारण ये संभव हो पाया है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए हैं, 450 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारी सेनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के नेताओं का ओडिशा में प्रचार जारी है। आज फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम यहां सुंदरगढ़ और बीर मित्रपुर में प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर कार्यकर्ता और चुनावी जनसभा में शिरकत करने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी आज ओडिशा में एक बार फिर से प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ओडिशा अभियान लगातार जारी है छत्तीसगढ़ बीजेपी का और देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता ओडिशा के अभियान पर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें लगातार ओडिशा के दौरे देखने को मिल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों मिशन ओडिशा पर हैं। आदिवासी बहुल राज्य ओडिशा में साय लगातार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके सहयोगी वीके पांड्यान पर चुनावी सभाओं में प्रहार कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में साय ने ओडिशा में 8 सभाएं की और साय के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 4 से ज्यादा मंत्री ओडिशा के प्रचार में हाथ बटा रहे हैं। साय मंत्रिमंडल के ओडिशा दौरे के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। संगठन के लिए काम कैसे किया जाता है वो इन दिनों छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखा जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में चुनाव होने के बाद वहां के बीजेपी नेता खाली नहीं बैठे हैं, बल्कि वो निकल पड़े हैं पड़ोसी राज्य ओडिशा की ओर, जहां वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय और उनका मंत्रिमंडल लगातार ओडिशा के छोटे छोटे कस्बों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के ओडिशा जाने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? दरअसल साय आदिवासी समाज से आते हैं, ओडिशा भी आदिवासी बाहुल इलाका है, ऐसे में वो बीजेपी के पक्ष में बड़ा वोट बैंक इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है। ओडिशा में 22.84% एसटी जनसंख्या है। देश की आबादी की 9.20% आदिवासी जनसंख्या ओडिशा में है। विष्णुदेव साय पिछले 4 दिनों से ओडिशा में ही सभाएं कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत बाली संकरा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान सीएम नवीन पटनायक पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री उड़िया भाषा में बात तक नहीं कर पाते, सिर्फ नमस्ते करते हैं। तो 24 साल से शासन करने वाला मुख्यमंत्री को उड़िया नहीं सीखना चाहिए क्या? सीखना चाहिए ना। तो वैसे मुख्यमंत्री को इस बार उखाड़ के फेंकिए, बीजेपी को उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से उड़ीसा का तेजी से विकास होगा, बहुत तेजी से। सीएम साय यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पटनायक को मोहरा भी बताया। हमको तो पता चला है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से नवीन पटनायक जरूर हैं, लेकिन सरकार चलाने वाला कोई दूसरा है। आज जो गोड़िया नहीं बोल सकता वो आपसे कैसे मुलाकात करेगा, कैसे आपकी भावना को समझेगा? आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ओडिशा में 4 चुनावी सभा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है और आप किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, 7 मई को छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद बहुत से लोग, हमारे मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम सब उड़ीसा में लगे हैं और हम भी, आज 4th दिन है। इसके पहले 3 दिन आ चुके हैं, आज 4th दिन है और अभी दूसरी सभा यहाँ पर हुई है विजयपुर में, अभी एक और सभा है आपका क्या लोकसभा है, बलांगीर लोकसभा में। तो 4 दिन में अनेकों सभा अटेंड किया और हम कह सकते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, जिस तरह से सभाओं में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है और जो उत्साह है उन लोगों में, तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर प्रदेश में परिवर्तन होगा। उनके अलावा भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के कई मंत्रियों को ओडिशा में प्रचार की जिम्मेदारी दी हुई है, जिनमें ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा के नाम शामिल हैं। कलासमगढ़ में पीएम मोदी ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है, हमने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और हम यदुवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी सियासी वार पलटवार पर लगाम नहीं लग रही और ये सियासत तब और गर्मा जाती है जब वार पोस्टर या वीडियो के जरिए किया गया हो। अब इस बार बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर कैसे बोला है हमला, इस रिपोर्ट से समझिए। यूं तो राजनीति में बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला कभी नहीं थमता, लेकिन आजकल पार्टियों ने एक दूसरे पर हमला करने का नया तरीका खोज निकाला है और वो है पोस्टर पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला बोला, तो वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद भी यहां पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर और वीडियो के जरिए राहुल पर निशाना साधा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें भारतीय संविधान पर 1976 की इमरजेंसी का खंजर लगा है, तो वहीं एक ओर राहुल खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं कि ये खंजर किसने भूखा और दूसरी ओर भारत ये जवाब दे रहा है आपकी दादी ने।
इसके साथ कैप्शन में लिखा है, अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे राहुल। इसके अलावा बीजेपी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल सुपरमैन बनकर उड़ रहे हैं और महिला का पर्स छीनकर एक मुस्लिम युवक को दे देते हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस आईटी सेल के हेड सुशील आनंद शुक्ला ने इस वीडियो पर पलटवार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। देश इस प्रकार के विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 389 सीटें जहां पे उनको वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले लूंगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पोस्टर के जरिए ये वार पलटवार का सिलसिला और कितना दूर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देश में चुनावी प्रचार के दौर जारी हैं और आज भी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज प्रचार के लिए अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे, जिसके बाद पीएम यूपी जाएंगे। और आपको दिखाते हैं ये 8 तस्वीरें, देखिए देश भर में दिग्गजों का चुनावी प्रचार जारी है। कौन सा नेता कहाँ रहेगा, कहाँ हो रहे हैं चुनावी प्रचार, ये 8 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज लगातार चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, जेल में बंद अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिलोक सिंह से पूछताछ की जाएगी। ईडी जेल में ही तीनों से पूछताछ करेगी। ईडी को 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति मिली है। ईडी तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, जेल में बंद अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिलोक सिंह, इन तीनों ही आरोपियों से ईडी जेल में ही पूछताछ करने पहुंचेगी। 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति ईडी को मिली है और तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर से, हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनमोल, 27 मई से 31 मई तक का समय ईडी के पास है और इसी समय में इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल रितु, बहुत ही चर्चित घोटाला है शराब घोटाला, और इसमें देखिए आरोपी जो हैं अनवर ढेबर, एक बहुत बड़ा नाम है चूँकि रायपुर के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उनके बड़े भाई हैं अनवर ढेबर, और इसमें जो है उनका बहुत प्रमुखता से नाम सामने आया है। ईडी के लगातार वो रिमांड पर चल रहे हैं। कल उन्होंने जमानत याचिका भी कोर्ट में लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इलाज का हवाला दिया था। लेकिन अब जो खबर आई है कि अब ईडी जो है एजाज ढेबर के जो भाई हैं अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी हो गए, ये तमाम जो आरोपी हैं इनसे जेल में ही पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा हैं वो भी इस मामले में आरोपी है। जब उनसे पूछताछ की गई तो कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए हैं, जिसके बाद ईडी जो है आवेदन दी कोर्ट में कि उन्हें जेल में ही पूछताछ करने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार किया और अब ईडी को जो है उन्होंने आदेश दे दिया है कि वो जेल में ही पूछताछ कर सकेंगे। अब देखिए खबर ये है रितु कि जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो एपी त्रिपाठी की हम बात करें, चाहे अनवर ढेबर की बात करें, इन्हें अब आमने सामने बैठा कर 1-on-1 जो है इनके सामने चर्चा की जाएगी कि ये पूरे घोटाले में किस तरीके से इनका हाथ रहा है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, किस तरीके से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। और देखना होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या बड़े खुलासे फिर ईडी करती है। फिलहाल शुक्रिया अनमोल जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, इधर बात करेंगे इंदौर की, जहां नगर निगम कर्मियों की यूनिफॉर्म को लेकर सियासी घमासान मच गया। जो यूनिफॉर्म नगर निगम कर्मचारियों के लिए तय की गई है वो आर्मी की ड्रेस जैसी ही है, और इसके बाद अब कांग्रेस ने महापौर और बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इंदौर नगर निगम बैकफुट पर आ गया और अब यूनिफॉर्म बदली जाएगी। आर्मी की ड्रेस पहनकर घूम रहे ये लोग आर्मी की किसी विंग के नहीं बल्कि इंदौर नगर निगम के रिमूवल विभाग के कर्मचारी हैं। ये यूनिफॉर्म इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं पहनी है बल्कि ये यूनिफॉर्म इनको पहनाई गई है। इनको ये यूनिफॉर्म निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने पहनाई है। रिमूवल के दौरान होने वाले विवाद को रोकने के लिए इन सभी लोगों को ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई गई। इस पूरे मामले पर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। सभी कर्मचारियों की नहीं है, जो हमारा रिमूवल गैंग है उनके कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार की ड्रेस, ताकि अनुशासन
और एक रूपता रहे। देखिए ये जो ड्रेस कोड दी गई है नगर निगम में, हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म रहे सभी लोग नगर निगम के लोग। जैसे मैं खुद भी नीले रंग की शर्ट पहनता हूँ, सभी लोग आप देख रहे होंगे नीली कमीज पहनते हैं, जिससे डिसिप्लिन बेटर हो हमारा। और इसी मंशा के साथ ही जो हमारा जो रिमूवल दस्ता है उसको भी ये वर्दी उपलब्ध कराई गई है ताकि एक डिसिप्लिन उनके अंदर भी रहे। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि पूरे शहर में इस फैसले की थूथू हो रही है, निगम कमिश्नर के इस फैसले को बेहद शर्मनाक करार दे दिया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। देखिए पूरे शहर की जनता थूथू कर रही है, नगर निगम इंदौर पे कितना बड़ा सवाल या प्रश्न चिन्ह लग गया है कि हम सेना का ही सम्मान नहीं कर रहे, सेना की ड्रेस पहनने किसी को अधिकार है? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महापौर पुष्य मित्र ने सफाई दी और इन वर्दियों को हटाने की बात कही है। रिमूवल विभाग में रिमूवल के काम में एक रूपता आए, अनुशासन दिखे, इसलिए वर्दी देने का काम रिमूवल विभाग के अधिकारियों ने किया था। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जाने अनजाने यदि सैनिक और पूर्व सैनिकों की भावना इससे आहत होती है तो मैंने निर्देश जारी किए हैं कि इसमें कुछ थोड़ा चेंज किया जाए और अनुशासन और एकरूपता के भाव को भी बनाए रखते हुए वर्दी भी रखी जाए। इसलिए जो एक निर्णय और जो वर्दी एक कॉम्बैट की तरह दिख रही थी उसमें जो आवश्यक परिवर्तन होगा वो हम कर रहे हैं। महापौर के बयान के बाद भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाती है या फिर बीजेपी वर्दी वापस लेने के बाद से इस मुद्दे से बच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने जबलपुर में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें, साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन का पालन नहीं कर रहे हैं। देवकी नंदन ने कहा कि आजादी के बाद से हिंदू की आबादी अन्य धर्म की तुलना में 7% घटी है, जबकि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन को दरकिनार कर संख्या बढ़ा रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन जाता तब तक हर दंपति को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून उनका भी समर्थन किया है। संख्या नियंत्रण कानून हो तो सबके लिए हो, अदरवाइज जब तक ये कानून नहीं आता तब तक सनातनियों से कहेंगे कम से कम 5-5 हो। अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोग 7% घटे आजादी के बाद से, हम घटे बाकी सब बढ़े, बाकी कोई नहीं घटा, बाकी इस स्पीड से बढ़े और हम लोग घट रहे, लगभग 8% हम घट गए। ये दुख की बात है कि सुख की बात है? अब खबर खंडवा के पुनासा से, जहां संत सिंगाजी समाधि स्थल पर आज 505वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महाआरती के साथ इसका आगाज हो चुका है। आज यहां पर दिन भर देसी घी का हलवा बांटा जाएगा, साथ ही दिन भर भजन कीर्तन भी होता रहेगा। तो खंडवा के पुनासा में स्थित संत सिंगाजी समाधि स्थल पर आज 505वां जन्मोत्सव मनाया जाना है और महाआरती के साथ आगाज भी हो चुका है। पुर में जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन और रेलवे को किसानों की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि रेलवे का सामान और कलेक्टर दफ्तर के सामान को कुर्क कर राशि वसूली जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले में रेलवे और कलेक्टर का रवैया लापरवाही भरा है। 41 किसानों ने जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि 2022 में उनकी 56 हेक्टेयर जमीन का रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण किया गया था, लेकिन मुआवजे की राशि का उचित भुगतान नहीं किया गया। अवार्ड पारित किया था, उस अवार्ड के विरुद्ध 41 लोगों ने हमारे माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जिसकी रेफरेंस कलेक्टर के द्वारा भेजा गया था। जब यहाँ पर निर्णय हुआ तो जितना मुआवजा दिया गया था उस मुआवजे को दोगुना कर दिया गया। सिंगरौली में तेज रफ्तार पिकअप और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में पिकअप में सवार 24 से ज्यादा लोगों को चोट आई है, जिनमें से 6 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार लोग तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे थे और तभी हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसा जियावन थाना के कुदवार चौकी के सरौधा इलाके में हुआ।